हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। काइनेमेटिक्स का सवाल है, जो रिलेटिव मोशन हम लोग पढ़ते हैं उससे रिलेटेड सवाल है ना। तो इसमें कहा गया है कि ट्रेन ए एंड ट्रेन बी आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन अपोजिट डायरेक्शंस विथ स्पीड्स 36 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर। सपोज दो ट्रेन है, ट्रेन ए और ट्रेन बी, ठीक है, ये दो ट्रेन्स हो गए। सपोज ए जो है वो जा रहा है इधर 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और जो बी है वो सपोज इधर चल रहा है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब ट्रेन ए के अंदर एक आदमी है, कहा गया है A person is walking in the train A in the direction opposite to its motion with a speed of 1.8 kilometer per hour. ठीक है, तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि velocity of man with respect to A is equal to velocity of man minus velocity of A. सपोज राइटवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन जो है वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहा गया कि जो आदमी है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ट्रेन ए के अपोजिट, यानी कि निगेटिव डायरेक्शन में। ट्रेन ए जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में जबकि आदमी जो है निगेटिव डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है। तो इसका स्पीड हम लिखेंगे -1.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब उसका जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड है Vm, वो हमें नहीं पता है, पहले हम लोग उसको पता करेंगे, ठीक है। माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए जो कि 36 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, तो यहाँ से जो Vm है वेलोसिटी ऑफ मैन हम लोग ये पता कर सकते हैं, ये आएगा 36 -1.8 यानी कि ये हो जाएगा 34.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन। अब पूछा क्या गया इसमें देखते हैं, कहा गया है स्पीड ऑफ दिस पर्सन एज ऑब्जर्व फ्रॉम ट्रेन बी विल बी क्लोज टू, मतलब ये है कि जो आदमी है उसको ट्रेन बी से ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो ट्रेन बी के रेस्पेक्ट में वो किस स्पीड से जाता हुआ दिखेगा, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बी हमें फाइंड करना है। इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन हमने अभी पता किया है, यह है 34.2 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में, देखेंगे ऊपर जो डायग्राम बनाया गया है ये 72 किलोमीटर पर आवर से लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जो हमने निगेटिव डायरेक्शन सेलेक्ट किया है। तो इसका जो ट्रेन बी का जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, उसको मैं लिखूंगा निगेटिव, माइनस 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 106.2 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो इसको हम लिख सकते हैं 106.2 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, जो कि आएगा 29.5 मीटर पर सेकंड। तो देखेंगे कि इसमें जो ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल मैच कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन हो जाए।